सो आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज प्रोडक्शन। तो यहाँ से थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट आगे जाकर के मिक्स होंगे और फिर मार्केट चैप्टर में हम सारी चीजें एक साथ में कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज प्रोडक्शन। चलिए सो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बताओ प्रोडक्शन का इन जनरल मीनिंग क्या है, हम किसको बोलते हैं प्रोडक्शन? क्रिएशन एंड एडिशन ऑफ यूटिलिटी। ओके, तो इन जनरल अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्शन का मतलब हम क्या पढ़ते हैं कि हमने कुछ रॉ मटेरियल को इनपुट किया, उसको प्रोसेस किया एंड देन फाइनली हमारे पास में क्या आ जाता है, आउटपुट। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये नॉर्मली होता है प्रोडक्शन। बट इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में, इकोनॉमिक सेंस में प्रोडक्शन का मीनिंग काफी वाइड है, काफी डिफरेंट है। तो क्या डेफिनेशन है यहाँ पे वो हम समझते हैं। सो अ लेमैन थिंक्स दैट प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ फर्नीचर, कि किसी ने फर्नीचर बनाया, किसी ने मशीनरी बनाई, फूड ग्रेन्स ग्रो किया, फ्रूट्स, टी, क्लोथ्स एक्सेट्रा, ये सब कुछ बनाया। तो इन सबको हम वैसे प्रोडक्शन कहते हैं एक जनरल लेमैन की डेफिनेशन में। एंड इन सब का पर्पस क्या है, ये हमने क्यों बनाया, क्यों ग्रो किया, ताकि हम मार्केट में इसको सेल कर सके। लेकिन इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन वाइड होती है, तो ये सब तो इंक्लूड होंगे लेकिन इसके साथ में और भी चीजें इंक्लूड हो जाएगी। तो इस डेफिनेशन को कैसे रखा गया है, तो इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी, कि हमने कुछ ऐसा काम किया जिससे यूटिलिटी ऐड हो जाए, जिससे यूटिलिटी ऐड हो जाए, दैट इज सिंपली नोन एज प्रोडक्शन। तो क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी किस में हमने किया है, इन गुड्स और सर्विसेज, या तो गुड्स में या फिर सर्विसेज में। क्यों किया है, उसका पर्पस क्या है, सो दैट ह्यूमन वॉन्ट्स कैन बी सेटिस्फाइड, ह्यूमन वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हमने ऐसा किया है। सो रिसोर्सेज हमने लिए, उसमें यूटिलिटी को जोड़ा, प्लस किया, एंड उससे ह्यूमन वॉन्ट्स क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो कुछ भी ऐसा काम करना जिससे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारा सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है, दैट इज सिंपली नोन एज प्रोडक्शन। एक और डेफिनेशन दी है जेम्स बेट्स एंड जे आर पार्किंसन ने। क्या डेफिनेशन है, प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश प्रोडक्ट। हमारी रिसोर्सेज को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, किसमें, फिनिश प्रोडक्ट में। फिनिश प्रोडक्ट मतलब या तो गुड्स या सर्विसेज में। एंड उसका एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव क्या था, टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ सच ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज, यानी कि डिमांड को पूरा करना, चाहे वो ह्यूमंस की है, किसी की भी डिमांड है उसको पूरा करना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। सो अगर हम ये देखते हैं, सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर किया एंड उसकी वैल्यू थी 500 रुपीज। इसने सेल कर दिया होलसेलर को। तो जब ये होलसेलर को सेल कर रहा है, कितने में सेल कर रहा है, 500 में। होलसेलर ने क्या किया, ये कि ये सेम टी शर्ट आगे रिटेलर को सेल कर दिया, कितने में, 700 में। रिटेलर ने यही सेम टी शर्ट आगे सेल कर दिया कस्टमर को 1000 रुपीज में। ठीक है, तो अब हम प्रोडक्शन में क्या इंक्लूड करेंगे, 500 करेंगे, 700 करेंगे, या 1000 करेंगे, या तीनों का टोटल को इंक्लूड करेंगे, क्या लग, क्या करना चाहिए, तीनों तीनों का टोटल सर। का टोटल? पक्का हाँ सर, हाँ सर, 1000 फाइव सर, हंड्रेड में से 500 सर, सर ओनली 500? फाइव हंड्रेड में से मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट माइनस करते हैं। अच्छा, प्रॉफिट भी माइनस करें। ओके, तो देखो यहां पर हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो ये बताओ किसने प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब किसको हम प्रोडक्शन बोलेंगे, जो मैन्युफैक्चरर ने शर्ट बनाया है उसको बोलेंगे, या होलसेलर ने सेल करने की सर्विस दी है उसको बोलेंगे, या रिटेलर ने सेल करने की सर्विस दी उसको बोलेंगे, या फिर तीनों
ने जो अपना अपना पार्ट किया है, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन, ऑल सर, सभी ऑल प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरर, इंक्लूड होगा, ओके. आरओ ऑल सेज सर। मैन्युफैक्चरर, दीप सेज ऑल, बाकी का क्या कहना है फटाफट बता दो. मैन्युफैक्चरर सर, अमर सेज मैन्युफैक्चरर, ओके. बासवती, सर सिर्फ 1000 रुपीज इंक्लूड करेंगे। तो इसका मतलब तीनों लोग इंक्लूड होंगे एक तरह से, तो तीनों ने अपनी अपनी सर्विसेज दी है. यस सर। ओके ग्रेट. तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही समझना है, जो शर्ट बना रहा है वो तो प्रोड्यूसर है ही, उसने प्रोडक्शन किया है, लेकिन होलसेलर अगर नहीं है तो कस्टमर तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था. तो होलसेलर ने सेल करने की सर्विस दी है, दैट मींस हमने यहाँ पे क्या लिखा था डेफिनेशन में, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, प्रोडक्शन में दोनों चीजें आती है. तो होलसेलर ने सेल करने की सर्विस दी है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन. रिटेलर ने भी सेल करने की सर्विस दी है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो ओवरऑल अगर हम वैल्यू की बात करते हैं, तो 1000 वैल्यू को हम ओवरऑल इंक्लूड करेंगे हमारे टोटल आउटपुट के अंदर. तो 500 मैन्युफैक्चरर से आया, प्लस 200 थोड़ा एडिशन कर दिया किसने, होलसेलर ने. तो हमारा वर्ड क्या था, क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी. तो ये 500 तो हो गया आपका क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, फिर 200 इसमें हो गया एडिशन ऑफ यूटिलिटी, उसने मेहनत करी थोड़ी बहुत और 200 रुपए जोड़ दिए. रिटेलर ने थोड़ी और मेहनत की और 300 रुपए जोड़ दिए. तो जो एडिशन ऑफ यूटिलिटी है इसको हम इंक्लूड करते हैं. सो ऑल दीज थ्री आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये क्लियर होना हमें जरूरी है. सिमिलरली डॉक्टर ने किसी पेशेंट को ट्रीट किया, तो क्या वो प्रोडक्शन है? सर्विस है सर, हाँ सर, तो क्या हम उसको यस प्रोडक्शन सर, बोलेंगे? यस सर, बोल सकते थे, यस सर। यस, बिकॉज सर्विस को भी हम प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं. डॉक्टर ने अपनी सर्विसेज दी है, एक लॉयर ने अपनी सर्विसेज दी है, टीचर ने अपनी सर्विसेज दी है, एक्टर, डांसर, सिंगर, ये सारे लोग जो भी काम करते हैं, ऑल दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन. बिकॉज इन्होंने जो भी काम किया है उससे किसी की बॉन्ड्स फुलफिल हुई है, तो देयर फोर दिस इज एडिशन ऑफ यूटिलिटी, सो इट इज नोन एज प्रोडक्शन. तो ये बेसिक मीनिंग हुआ प्रोडक्शन का इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स. अब हमने यहाँ पे बोला कि क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी, तो यूटिलिटी को भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से समझ सकते हैं. कैसे? फर्स्ट वन इज नोन एज फॉर्म यूटिलिटी, मतलब हम क्या करते हैं किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही बदल देते हैं. जैसे रॉ मटेरियल को अगर हमने कन्वर्ट कर दिया फिनिश्ड गुड्स में, तो दैट इज नोन एज फॉर्म यूटिलिटी, क्योंकि उसका साइज, शेप, ये सारी चीजें चेंज हो जाती है, सो इट इज नोन एज फॉर्म यूटिलिटी. जैसे अगर मान लो क्लासरूम में फर्नीचर की जगह पे क्या अवेलेबल हो, लॉग ऑफ वुड, लकड़ी, मतलब पेड़ तो हमने सीधा काटा और क्लास में रख दिया, उसी पे बैठ के पढ़ना है तो क्या होगा, इट विल बी डिफिकल्ट, उसमें इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा. लेकिन जब हमने इसी लॉग ऑफ वुड को टेबल में, चेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो टेबल चेयर हमारे लिए क्या हो गई, कंफर्टेबल हो गई, और उससे हमारी यूटिलिटी बढ़ गई. तो दिस इज नोन एज फॉर्म यूटिलिटी या फॉर्मेशन यूटिलिटी. सिमिलरली थ्रेड, थ्रेड से हमने बनाया क्लोथ, ठीक है, तो थ्रेड से जो क्लोथ बना दैट मीन्स उसका फॉर्मेशन चेंज हो गया. एक तो हम क्लोथ वियर कर रहे हैं, दूसरा है हम क्लोथ की जगह थ्रेड वियर कर ले, क्या लगता है किसमें यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, थ्रेड वियर करने में या क्लोथ में? क्लोथ क्लॉथ में सर, क्लॉथ में, ये तो है नहीं कि हम थ्रेड वियर कर लेंगे, थ्रेड को पूरी बॉडी पर लपेटते रहेंगे लपेटते रहेंगे, नो नॉट पॉसिबल. फिर क्लोथ को हमने कन्वर्ट कर दिया शर्ट के अंदर, तो क्लोथ मतलब एक पूरा आपका रॉ फैब्रिक हो गया, और दूसरा है उस सामने शर्ट. तो क्लोथ को जब हमने शर्ट में कन्वर्ट किया तो यूटिलिटी और उसमें एड ऑन हो गई, सो दिस इज नोन एज फॉर्म यूटिलिटी. सेकेंड वन इज प्लेस यूटिलिटी, जगह चेंज होने से भी यूटिलिटी बढ़ जाती है. जगह चेंज होने से कैसे बढ़ जाती है, जैसे हिमाचल के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पे हम क्या कहते हैं कि एप्पल्स बहुत ज्यादा ग्रो करती है,
तो एप्पल इतनी ज्यादा होती है कि वहां पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहां 20 रुपीज पर केजी, 30 रुपीज पर केजी में इजीली अच्छी क्वालिटी की एप्पल मिल जाती है। बट वही एप्पल जब बाकी दूसरी प्लेसेस पे जाती है तो वहां उसकी प्राइस सीधा 200-300 रुपीज पर केजी तक पहुंच जाती है, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लेस। तो जहां पर वो चीज अवेलेबल नहीं है वहां पे अगर हम अवेलेबल करवाते हैं देन इट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सिमिलरली ऑयल, अब ऑयल हमारे यहाँ पे लाइक उसका कोई प्रोडक्शन नहीं है तो हम उसको यूएई से इंपोर्ट करते हैं, तो यूएई के अंदर उसकी वैल्यू बहुत कम है, वहां उसकी वर्थ बहुत कम है, लेकिन जब हम उसको इंडिया के अंदर देखते हैं तो इंडिया में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लेस यूटिलिटी। फिर आता टाइम यूटिलिटी। तो टाइम यूटिलिटी मतलब जिस टाइम पे सीजन नहीं है उस टाइम पे भी अगर कोई चीज अवेलेबल हो जाती है देन इट्स क्रिएट्स यूटिलिटी। जैसे एक एडवर्टीजमेंट की एक टैगलाइन है, बहुत बार हमने सुना होगा टीवी में, हर मौसम आम माजा है ना, सुना? हाँ सर, तो मतलब जिस चीज का सीजन नहीं है बट वो भी हमारे सामने अवेलेबल है। नॉर्मली मैंगो का सीजन हो गया क्या, मार्च अप्रैल मई एंड मैक्सिमम जून, तो ये 3-4 महीने मैंगोज रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी लगातार अगर मैंगोज अवेलेबल हो बिकॉज ऑफ कोल्ड स्टोरेज सर्विसेज या फिर बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स या और कोई तरीके से हमें अगर वो अवेलेबल हो रहा है, जैसे टिन के पैकेट्स के अंदर स्टोर करके हम रखते हैं, तो ऑल दीज आर नोन एज टाइम यूटिलिटी। फोर्थ वन इज नोन एज पर्सनल यूटिलिटी, मतलब जहां पे कोई पर्सन अपनी पर्सनल स्किल्स एबिलिटी नॉलेज का यूज करता है, तो इसमें सारी सर्विसेज को हम इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स लॉयर्स टीचर्स, इन तरह की सारी सर्विसेज को हम इंक्लूड करेंगे पर्सनल यूटिलिटी के अंदर। सो देयरफॉर क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी इज नोन एज प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, किसको बोलेंगे? इनपुट्स को सर। इनपुट को। तो ऐसी सारी चीजें जो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, ऑल दोज थिंग्स व्हिच हेल्प्स इन प्रोडक्शन आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो रेफर्स टू इनपुट्स व्हिच अ फर्म बाइज फॉर यूसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन को करने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता है दैट इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कितने तरह के हैं, दीज आर ऑफ फोर टाइप्स, चार तरह के फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज लैंड, देन लेबर, पर कैपिटल एंड देन एंटरप्रेन्योर। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है लैंड। लैंड का मतलब क्या है, किसको हम बोलते हैं लैंड? एनीवन? एनी नेचर का रिसोर्स कोई गिफ्ट अंडर, हो। ऑन और अबाउट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ओके okay. तो लैंड का मतलब एक तो हो गया वो जगह जहां पर हम अपना बिजनेस करते हैं, जहां से हम अपनी सर्विसेज देते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब सिर्फ इतना नहीं है। सो लैंड इन इकोनॉमिक्स नॉट ओनली मीन्स सॉइल और अर्थ सरफेस अलोन बट इट रेफर्स टू ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। वो सारी चीजें जो नेचर ने हमें फ्रीली अवेलेबल की है, जैसे कि वाटर, एयर, नेचुरल लाइट, हीट, टेम्परेचर, वेजिटेशन, ये सारी चीजें जो नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ लैंड। तो इन सबको हम लैंड में इंक्लूड करेंगे। तो इसी को अगर हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो पहला पॉइंट यही कहता है लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, तो हमें भगवान से मिला है, गिफ्ट है, और हम इसको ह्यूमन एफर्ट्स डाल के बढ़ा नहीं सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। तो नो ह्यूमन एफर्ट्स और सेक्रीफाइस वॉज नेसेसरी ओरिजिनली टू प्रोड्यूस द लैंड, तो इसके लिए हमने कोई सेक्रीफाइस या एफर्ट्स नहीं डाले हैं। तो इसके लिए इसकी सप्लाई क्या है, लिमिटेड है। हम इसको चाहें तो ना तो इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही डिक्रीज कर सकते हैं, ये जिस तरह से अवेलेबल है वैसे ही है।
लैंड इज इनडिस्ट्रक्टेबल, हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल दुनिया में धरती पे जितना भी एरिया है वो एरिया उतना ही रहेगा, चाहे आप उस पर कुछ भी बना लो। जंगल है उसको आपने कन्वर्ट कर दिया लाइक हाउसेस में, बिल्डिंग्स में, इंडस्ट्रीज में, तो भी लैंड तो वो रहेगा ही रहेगा, वो स्पेस रहेगा, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अगर हम कहें तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो प्लस माइनस जरूर हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो क्वांटिटी है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। लैंड इज नॉट मोबाइल, नॉट मोबाइल मतलब लैंड मूवेबल नहीं होता, ये फिक्स है, इसकी जगह फिक्स है, हम इसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक शिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लैंड अगर हमारे पास अवेलेबल है तो अपने आप से कुछ नहीं होने वाला। मतलब हमने कहा सिर्फ हमारे पास लैंड अवेलेबल है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो क्या प्रोडक्शन हो जाएगा? नो, बिल्कुल नहीं होगा। तो लैंड के प्रोडक्शन करने के लिए हमें दूसरे फैक्टर्स भी साथ में चाहिए, अपने आप लैंड कुछ नहीं कर सकता। लैंड इज हेटरोजीनियस, मतलब लैंड की जो फर्टिलिटी है ये वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। राजस्थान के अंदर फर्टिलिटी अलग तरीके से है, पंजाब में अलग है, यूपी में अलग है, तो इसलिए हर तरह हर प्लेसेस पे अलग अलग तरह के फूड ग्रेन्स ज्यादा ग्रो करेगी। कहीं पे टी ज्यादा ग्रो करेगी, दार्जिलिंग साइड में, ऊटी, मसूरी, इन सब प्लेसेस पे टी कॉफी ज्यादा ग्रो करती है। राजस्थान के अंदर बाजरा ज्यादा ग्रो करता है, पंजाब के अंदर जैसे हम कहते हैं वहां पे फूड ग्रेन्स जो है मेनली वो अच्छी ग्रो करती है, शुगर केन ग्रो करते हैं, यूपी के अंदर वीट एंड राइस होता है। तो इस तरह से प्लेस टू प्लेस फर्टिलिटी वेरी करती है। सेकेंड टर्म इज लेबर, लेबर का मतलब क्या हो गया? मेहनत। यहाँ पर सबसे कॉमन चीज क्या होती है, हम किसी पर्सन को लेबर नहीं बोलते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक यही होती है कि जो काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं लेबर। नो, द वर्क डन इज नोन एज लेबर एंड द पर्सन डूइंग द वर्क इज नोन एज लेबरर। उस पर्सन को हम बोलते हैं लेबरर जिसने काम किया है। सो लेबर सिंपली मीन्स मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने मेहनत क्यों की है? कोई गुड्स या सर्विसेज बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। सो इट रेफर्स टू वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स विच रिक्वायर द यूज ऑफ फिजिकल एक्सर्शन। तो हमें फिजिकल मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, तो स्किल एंड इंटेलेक्ट को हमें यूज करना है। तो लेबर मीन्स द पर्सन हु गेट्स रिवॉर्ड इन रिटर्न फॉर सर्विसेज रेंडर्ड ऑन द वर्क ही हैज डन। तो जब भी हम कोई काम करेंगे तो इन रिटर्न कुछ मिलेगा, जो हम लॉ की डेफिनेशन में कहते हैं कंसिडरेशन, टू समथिंग इन रिटर्न वी विल रिसीव। अगर हमने कोई भी काम किया है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन देन इट विल नॉट बी लेबर इन इकोनॉमिक सेंस। तो हम उसको इकोनॉमिक्स के टर्म्स में लेबर नहीं मान सकते हैं। सो बताओ, अगर कोई एक्टर किसी मूवी में एक्टिंग कर रहा है तो क्या ये लेबर की डेफिनेशन में आएगा? यस यस सर, सर, बिल्कुल आ जाएगा। देन एक पर्सन ने डांस परफॉर्म किया है ऑन अ स्टेज एंड उसके लिए हमने एंट्री टिकट्स पे किए हैं 500 रुपीज फॉर द शो। यस यस सर, लेबर होगा यस सर। यस होगा। फिर एक पर्सन ने कोई सॉन्ग सिंग किया है इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स, क्या ये इन नहीं होगा सर, यही आएगा। नो सर। नो, ये नहीं आएगा। देन कुकिंग ऑफ फूड, क्या लगता है आएगा या नहीं? तो मनी कंसिडरेशन है तो आ जाएगा, इसके नहीं अंदर आएगा सर। हमें आगे क्लैरिटी होनी चाहिए कि कुकिंग ऑफ फूड का कहाँ पे बात हो रही है। अगर हम हाउस की बात कर रहे हैं कि एक मदर ने अपने घर पे अपने फैमिली के लिए कुक किया है तो नहीं आएगा, लेकिन वही चीज अगर एक रेस्टोरेंट में है तो शेफ, आएगा, है ना? तो किसी शेफ ने बनाया हाँ है सर, रेस्टोरेंट के अंदर, प्रोफेशनल पर्पस है, कॉमर्शियल पर्पस है, तो इंक्लूड करना है। तो मेन पर्पस हो गया कि हमारा वो कॉमर्शियल है, इन रिटर्न कुछ मिल रहा है, देन ओनली वी हैव टू इंक्लूड इन लेबर। तो इसी चीज को कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे लिखा है कि लेबर में क्या होता है, ह्यूमन एलिमेंट, कि हमें कुछ ना कुछ काम
करना पड़ेगा, तो उसके अंदर हमारा दिमाग भी लगता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी भी होती है। लेबर इज पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब एक बार टाइम चला गया तो वो वापस नहीं आता है। तो अगर एक दिन का लेबर चला गया तो वो ही दिन वापस नहीं आ सकता, उसको हम एक्स्ट्रा रिकवरी नहीं कर सकते। लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर, दोनों को अलग नहीं कर सकते। अगर लेबरर नहीं होगा तो लेबर नहीं हो पाएगा, तो लेबर करने के लिए वी रिक्वायर लेबरर। देन हर पर्सन सर की, हाँ सर यहाँ पे आपने बोला लेबर इज पेरिशेबल, पर अगर कोई लाइक डे चला जाता है बिना काम के, तो हम तो वो कवर कर सकते हैं ना दूसरे दिन ओवर टाइम से। पर दूसरे दिन में वो क्या, वो जो 8 घंटे चले गए 10 घंटे चले गए उसको वापस कैसे लाओगे? बिकॉज नेक्स्ट डे तो आपको नेक्स्ट डे का वर्क करना था, तो वो नहीं, करने से वो आपका तो वर्क करेंगे परफेक्ट हो जाएगा। हम उसको वो। कंप्लीटली रिकवर नहीं कर सकते हैं। एक दिन का आपका लेबर अगर चला गया तो दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड कंप्लीटली। ओवर टाइम भी है, मतलब हम अपना कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करके उसको यूज कर रहे हैं। ओवर टाइम का मतलब हाँ क्या, उस टाइम को आप कुछ और कर रहे होते। अगर आपने वो दिन वेस्ट नहीं किया होता तो आपको ओवर टाइम की जरूरत नहीं पड़ती। और जब आप ओवर टाइम कर रहे हो दैट मीन्स कुछ आपको छोड़ के, कुछ सेक्रीफाइस करके ये काम करना पड़ रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज पेरिशेबल, कि वो टाइम तो वापस नहीं आएगा, हमें दूसरा एडजस्टमेंट बिठाना पड़ेगा, बट जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। यस सर, लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबर टू लेबर, मतलब हर पर्सन की पावर, उसका एजुकेशन, उसका नॉलेज, उसका स्किल, उसका मोटिवेशन अलग अलग हो सकता है। जैसे एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, एक ही टीचर ने पढ़ाया है, बट सबके मार्क्स सेम नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? बिकॉज यहाँ पर हर पर्सन की, हर स्टूडेंट की जो पावर है वो अलग अलग है। किसी ने एक बार पढ़ा उसको 1 साल तक याद रहता ही रहता है, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी को अगले दिन ही याद नहीं रहता, उसको बहुत ज्यादा रिविजन की जरूरत पड़ती है, किसी को कम जरूरत पड़ती है। तो हर पर्सन की जो पावर है वो अलग अलग होती है। किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो उसको लिखना अच्छे से आता है, किसी की स्पीड फास्ट है तो किसी की स्लो है, किसी को आता है फिर भी पेपर छूट जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी को। सो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वेज, इसलिए हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो अलग अलग हो सकती है। तो अगर हमने कोई एफर्ट्स किए तो जरूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, या पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा आएगा। तो कभी कभी हमारी मेहनत वेस्ट भी हो सकती है, कि कई बार किसी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, रिजल्ट नेगेटिव रहा, तो वो सारी मेहनत हमारी एक बार के लिए चली गई। अब हमें फिर से वापस दोबारा मेहनत करनी है फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। लेबर हैज अ वीक बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर कैसे, कि जो पर्सन है वो किसी के अंडर में काम करता है, तो वो जो लेबर है या जो लेबरर है वो बेसिकली वीक होता है एज कंपेयर टू हिज बॉस। और अगर वो ज्यादा करता है कि मुझे इस सैलरी पे काम नहीं करना है, मुझे इस टाइम पे काम नहीं करना है, तो फिर उसका बॉस क्या कर सकता है, उसको सीधा जॉब से किकआउट कर सकता है। तो इसलिए उसकी जो पावर है दैट इज ऑलवेज लेस एज कंपेयर टू हिज एम्प्लॉयर। देन लेबर हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन द आवर्स ऑफ लेबर एंड लेजर, तो उसको ये देखना है कि कितने घंटे का उसको लेबर करना है एंड कितना लेजर करना है। तो इसमें कैसा रिलेशन होता है, कि जैसे जैसे वेजेस रेट इंक्रीज होती है, वेज रेट इंक्रीज होती है तो लेबर आवर्स वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे नॉर्मल वेजेस रेट कितनी है, 400 रुपीज 8 आवर्स के लिए। 500 हो गई वेज रेट, उसने 10 आवर्स काम करना शुरू कर दिया। 600 हो गई, 12 आवर्स काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे वेजेस रेट अगर फर्दर बढ़ने लगती है, लेकिन उस पर्सन की कैपेसिटी आ चुकी है कि वो 12 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कर सकता है, दैट मीन्स अब 12 के आगे 13 14 नहीं होगा, बिकॉज वो पर्सन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहा है। बट अगर फिर भी वेजेस रेट बढ़ जाती है तो क्या होगा, कि एक पॉइंट के बाद में ऐसा होगा कि लेबर आवर्स अब वापस डिक्रीज होना चालू हो जाएंगे, लेबर आवर्स डिक्रीज होना चालू हो जाएंगे, बिकॉज उस एक्स्ट्रा वेजेस को वो एंजॉय करेगा। दैट मीन्स ही विल इंक्रीज द लेजर टाइम।
तो शुरुआत में जब लेबर आवर्स इंक्रीज हुए तो हमारा लेजर मतलब फ्री टाइम कम हो गया। आगे जाकर के हमने वापस क्या किया, लेबर आवर्स को कम किया एंड लेजर को इंक्रीज कर दिया। तो इस टाइप का रिलेशनशिप होता है यहाँ पे। तो द सप्लाई ऑफ लेबर एंड वेज रेट आर डायरेक्टली रिलेटेड। एज द वेज रेट इंक्रीजेस द लेबर टेंड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लेबर बाय रिड्यूसिंग द आवर्स ऑफ लेबर। तो स्टार्टिंग में हमने ये चीज देखी है, लेकिन बट बियॉन्ड द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, एक लेवल के बाद में लेबर रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ लेबर, अपनी सप्लाई को कम करता है एंड इंक्रीजेस द आवर्स ऑफ लेजर, और लेजर आवर्स को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर लेता है। नेक्स्ट इज कैपिटल। तो अगला फैक्टर हमारा कैपिटल। तो कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, इट इज द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इट इज द पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्दर वेल्थ। मतलब ये एक ऐसा पोर्शन है जिससे हम वेल्थ क्रिएशन में काम में लेते हैं। जैसे हम अकाउंट्स में क्या करते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस की है कैपिटल। अब कैपिटल है 1 लाख रुपीज की, अब वो किस फॉर्म में होगी, थोड़ा बहुत कैश होगा, थोड़ा उसमें बैंक बैलेंस होगा, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब मिलकर के हमारी क्या बनी है, कैपिटल। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सब को यूज करके हमारे कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। सो दिस इज सिंपली नोन एज कैपिटल। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इट इज द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब पैसे से पैसा बनता है, कैपिटल से कैपिटल बनती है। तो कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स सस्टेन्ड इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन द कंट्री, कि हमारी कैपिटल कितने से बढ़ गई। तो साल की शुरुआत में 1 लाख कैपिटल थी, ईयर एंड में 1,30,000 की कैपिटल हो गई, दैट मीन्स इंक्रीज कितना हुआ, 30,000। तो 30,000 से जो इंक्रीज हुआ दैट इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन अगर हमें करना है तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेविंग करनी पड़ेगी, पैसा बचाना पड़ेगा। तो जो हमारी सेविंग है वो किस पे डिपेंड करती है, इट सिंपली डिपेंड्स ऑन द इनकम एंड एबिलिटी टू सेव। एक तो हमारी इनकम अच्छी होनी चाहिए तभी हम सेव कर पाएंगे, एंड दूसरा है सेव करने की इच्छा भी होनी चाहिए। अब किसी पर्सन की इनकम 1 लाख रुपए तो है बट उसको पैसे उड़ाने का बहुत शौक है, आज रेस्टोरेंट में गए, आज मूवी देखने गए, आज शॉपिंग कर लिया, तो वो रेगुलर इतने ज्यादा एक्सपेंसेस हम करेंगे तो फिर हमारी सेविंग्स नहीं होगी। तो हायर इनकम आर जनरली फॉलोड बाय हायर सेविंग्स। तो जिनकी इनकम ज्यादा है वो सेविंग ज्यादा कर सकते हैं। सो साथ में एबिलिटी होनी जरूरी है। सेकेंड वन इज, अब सेव करके हमने रख लिया लेकिन उसका करना क्या है, क्या घर में तिजोरी में रख दें, नो, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो हमें क्या करना, उसको सही जगह पे लेकर के जाना है, दैट इज मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। द सेव्ड मनी शुड एंटर इनटू द सर्कुलेशन एंड फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमें सही जगह उसको इन्वेस्ट करना है, चाहे हम बैंक में करते हैं, स्टॉक्स में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं ना कहीं हमें उसको चैनलाइज करना है ताकि वो पैसा किसी न किसी के काम आ सके और कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं डिपॉजिट करवा देते हैं। तो इसलिए थर्ड प्रोसेस वही हमारा इन्वेस्टमेंट। तो द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन गेट्स कंप्लीटेड ओनली व्हेन रियल सेविंग्स गेट कन्वर्टेड इनटू रियल कैपिटल एसेट। तो किसी जो भी इंडिविजुअल्स है, लोगों ने क्या किया, पहले सेव किया, सेव किया हुआ पैसा बैंक के पास गया, तो सेविंग पहला स्टेप, बैंक में गया दूसरा स्टेप, और बैंक के बाद में वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो गया, मतलब बैंक ने आगे क्या कर दिया, उसको लेंड कर दिया। किसी ने बिजनेस में लगाया है, किसी ने अपना कोई क्लिनिक खोला होगा, किसी ने कोई बोरो करके मूवी बनाई होगी, तो सबने अपने अपनी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया। तो इससे फायदा किसका हुआ, तीनों का फायदा हुआ। कैसे, कि जो यहाँ पे बिजनेसमैन था उसके पास पैसे नहीं थे तो उसको पैसे मिल गए, पैसे मिलने से उसके पास प्रॉफिट आ गया, मतलब जिसके पास पैसे नहीं है उसने प्रॉफिट कमा लिया, तो बिजनेसमैन का काम हो गया। फिर जिस पर्सन ने सेव किया उसको क्या फायदा, उसको मिलेगा इंटरेस्ट, बैंक ने मान लो 7% का उसको इंटरेस्ट दे दिया,
बैंक को क्या फायदा, बैंक ने 7 में लिया और 10 में आगे दे दिया, तो बैंक को 3% का फायदा, तो तीनों लोगों को यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है, एंड उससे ओवरऑल कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। तो ये था हमारा थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ फैक्टर आता है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या है, इट इज द फैक्टर विच मोबाइलाइज द थ्री फैक्टर्स, मतलब बाकी तीनों फैक्टर को कंट्रोल करना, उसको चलाना, ऑर्गेनाइज करना, वो सारा के सारा काम किसका है, इस एंटरप्रेन्योर का है। तो लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन तीनों को सही प्रपोर्शन में मिक्स करके प्रोडक्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करना और रिस्क लेना, ये सारा काम किसका है, एंटरप्रेन्योर का है। तो इसके फंक्शंस में क्या हम बता सकते हैं कि सबसे पहले बिजनेस की प्लानिंग करना और उसकी शुरुआत करना। तो उसके लिए हो सकता है हमें किसी से कंसल्टेशन लेना पड़े, एक्सपर्ट के पास जाना पड़े, बिजनेस कौन सा करेंगे, कहाँ करेंगे, उसकी लोकेशन क्या होगी, ये सब कुछ पहले स्टेप में हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा कपड़ों का बिजनेस होगा, फूड इंडस्ट्री होगा, कैसा बिजनेस होगा और हमें कहाँ पे लगाना है। सेकेंड हो गया ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस। एक बार सारी चीजें फिक्स हो गई, अब हमें क्या करना है, उसकी रूटीन एक्टिविटी को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करना है, एक अच्छी जगह हो, अगर हमने कोई रेस्टोरेंट ओपन करना है तो अच्छे शेफ हो, अच्छे वेटर्स हमारे पास अवेलेबल हो, और उसके अलावा जितनी भी अच्छी चीजें रिक्वायर्ड है उन सबको हम इंक्लूड करेंगे। तो ये सब करने में क्या होगा, जब हम मेहनत करेंगे तो हमें सरप्लस इनकम होगी, दैट इज प्रॉफिट भी मिलेगा, और कभी ढंग से मैनेज नहीं हो पाया या किस्मत साथ नहीं रही तो देयर विल बी अ लॉस ऑल्सो। थर्ड आता है पॉइंट, रिस्क बियरिंग फंक्शन। तो एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन क्या है, रिस्क बियरिंग, ऑलवेज वो पर्सन क्या करता है, रिस्क लेता है। सो व्हाट इज प्लान्ड एंड एंटिसिपेटेड बाय एंटरप्रेन्योर मे नॉट कम ट्रू एंड द एक्चुअल कोर्स ऑफ इवेंट्स मे डिफर फ्रॉम दैट वाज एंटिसिपेटेड एंड प्लान्ड। तो रेस्टोरेंट में हमने सोचा आज हमारे पास 100 कस्टमर आ जाएंगे एंड 100 कस्टमर जो है इतना इतना ऑर्डर करेंगे, उसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, सारी प्रिपरेशन करके रख दी, बट एक्चुअल हमारे पास ओनली 20 कस्टमर आए, तो जो हमारी एडिशनल प्रिपरेशन है वो सारी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो कई बार ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा भी हो गया 100 का सोचा और 200 कस्टमर्स आ गए, तो कुछ को हमें खाली भेजना पड़ सकता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। देन द फोर्थ वन इज द मेन पोर्शन ऑफ मेन फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, दैट इज इनोवेशन। तो जितना ज्यादा एंटरप्रेन्योर इनोवेट करेगा उतना ज्यादा उसका बिजनेस फैलेगा, उतना बिजनेस अच्छा होगा। तो इनोवेशन कहाँ करना है, नॉट ओनली इन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन लेकिन मार्केटिंग के मेथड वो भी इनोवेटिव होने चाहिए। पहले क्या होता था, ओनली न्यूज़पेपर में ऐड आते थे, फिर उसके बाद रेडियो पे ऐड आने लगे, फिर टेलीविजन में ऐड आने लगे, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे अब ऐड होने लग गए, तो ऐसे हर जगह पे क्या हो रहा है, एडवर्टीजमेंट आने लग जाते हैं। साथ में हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ध्यान देना है, तो इन सब जगह पे अगर हम इनोवेशन करते हैं देन इट विल बी बेटर। सो अकॉर्डिंग टू स्कम्पचर द टास्क ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू कंटिन्यूअसली इंट्रोड्यूस न्यू इनोवेशन। तो एक एंटरप्रेन्योर का मेन काम क्या है, इनोवेशन करना। तो इसपे कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लिमिटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स, किसको हम प्रोडक्शन बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए, ए बिकॉज बाकी ऑप्शन, तो हमने सिंपली कोई हेल्प किया है या प्लेजर के लिए है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, इट इज प्रोड्यूस्ड ऑप्शन बाय डी फोर सर, फादर्स, नो बट इट इज अ गिफ्ट, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, कौन सा फंक्शन है, ऑल द अबव, ऑल ऑल द ऑफ द अबव, अबव, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है। बी सी सी सर, कौन सा, बी या ऑप्शन बी सी। सर, सी सर, सी सर, सी सर, ऑप्शन सी, बी सी बी एंड सी में कंफ्यूजन। सी तो बी सर, कह रहा है लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड थर्ड कह रहा है क्वांटिटी ऑफ लैंड इज अनलिमिटेड। पैसिव फैक्टर का मतलब क्या होता है,
हमने पढ़ा था भी ऊपर। ठीक है, पैसिव फैक्टर याद है, अभी हमने ऊपर कवर किया था, ये लैंड इज अ पैसिव फैक्टर प्रोडक्शन, दैट मींस विदाउट ह्यूमन एफर्ट के वो काम हाँ के नहीं है. इट डज नॉट यील्ड एनी रिजल्ट अनलेस ह्यूमन एफर्ट्स आर एम्प्लॉयड।